शहर के पूर्व विधायक अशोक शर्मा जी से आवाज़े विरसा के एमडी दीपक सलवान एवं चीफ ब्यूरो संजीव घई ने विशेष मुलाकात की। बातचीत के दौरान अशोक शर्मा जी ने राजनीति के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी दी। जब उनसे एमडी दीपक सलवान द्वारा कांग्रेस छोड़ अकाली दल में शामिल होने का कारण पूछा गया, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, का विधायक रहा हूँ 2002 से 2007 तक, और उसके बाद भी मैंने इस पार्टी के अंदर बड़ा काम किया, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब कांग्रेस अपने मूल्य खोने लगी। कांग्रेस की कार्यशैली कुछ इस तरह की हो गई कि वहाँ ठीक सोच वाले लोगों के लिए वहाँ कंटिन्यू करना या उनके बीच में रहना मुश्किल सा हो गया। यही एक वजह है कि जो हमने तब महसूस किया, आज वो उसका एक रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस देश के प्रदेशों में अपनी सत्ता खो रही है, या यूँ कह लीजिए अब नगण्य हो चुकी है। जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात पर एक बात है कि कांग्रेस अपना वजूद धीरे धीरे इस मुल्क से खो रही है, जो मैं समझता हूँ कि ये एक सिस्टम की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती भी है। लेकिन जब इस पार्टी के अंदर कुछ इस प्रकार के लोग रहे ही नहीं जो उसे दिशा दे सकते थे, तो ऐसे लोगों के बीच में रहना मैं समझता हूँ ये दिल और दिमाग पर एक भार पड़ता है। तो कुछ देर मैंने अपना जो समय था वो सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में कर दिया, क्योंकि मैं समझता था कि चूँकि मैंने इनके साथ तो कंटिन्यू करना है नहीं, तो ये क्षेत्र जो हैं जो सही मानों में समाज की सेवा के हैं इसमें मैंने लगा रहा। ऐसी भी बात नहीं कि राजनीति को मैंने पूरी तरह छोड़ दिया, तो राजनीति के साथ संबंधित रहा हूँ। और फिर एक समय आया जब मैंने दोबारा सोचा कि मुझे अब दोबारा राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सेवाएँ देनी चाहिए। तो मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि मैं उम्र के इस पड़ाव पे अब केंद्रीय स्तर पर जाके कोई अपनी गतिविधियां शुरू करूं, मुझे अपने प्रदेश के अंदर ही ये सब कुछ करना था। तो प्रदेश के अंदर तो फिर जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रदेश को प्रतिनिधित्व जो दिया है राजनीतिक वो अकाली पार्टी ने दिया है। बादल साहब 6-7 बार मुख्यमंत्री बने हैं और अकाली पार्टी ने पंजाब और पंजाबियत के लिए बड़ा अच्छा काम भी किया है। तो अगर किसी को कांग्रेस को छोड़कर अगर कोई इसका अल्टरनेटिव अगर पर विचार करना था, तो मुझे लगा कि पंजाब और पंजाबियत के लिए सही मानों में अगर कोई पार्टी है अगर तो फिर वो अकाली दल है। और मैंने इसे मेरे उनके साथ वैसे भी एक ज़माने से जब मैं कभी LLB करके स्टूडेंट कैरियर से आया था तो उनके साथ संबंध रहे हैं। प्रोफेशनली मैं इनको सर्व भी करता रहा हूँ जब मैं वकील था, पर जब एक निर्णय लेने का समय आया तो मुझे लगा कि मैं इनके साथ मिलकर अपने प्रदेश के लिए अच्छा काम कर सकता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे कहनी है कि पंजाब के अंदर यदा कदा कुछ इस प्रकार की शक्तियां हैं जो इसको डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं या अस्थिर करना चाहती हैं, या वैसे भी पंजाब में त्रासदी हो गई है तो सभी लोग जानते हैं उस समय को, उग्रवाद के समय को। इसलिए ज़रूरी है कि उनके साथ मुकाबला करने के लिए सभी जो हमारे लोग हैं, जिसे हालांकि मैं इस बात को मान के तो नहीं चलता हिंदू सिख को, लेकिन जो हमारी हिंदू समुदाय है उसे मॉडरेट्स जो सिख जथेबंदियां हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं चाहे वो सामाजिक हैं, सिख जथेबंदियों को प्रमोट करना चाहिए। और उससे क्या होगा कि ये मजबूत होंगे, और ये मजबूत होंगे तो वो उन फनेटिक फोर्सेस के साथ मुकाबला करेंगे जो पंजाब को अस्थिर करना चाहते हैं। यही एक सबसे बड़ी वजह मैं सबसे कहता हूँ कि हम सभी लोगों को इन उदारवादी जो हमारी सिख जथेबंदियाँ, सिख भाइयों की जथेबंदियाँ हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं चाहे सामाजिक हैं, उनका पूरी तरह समर्थन करना चाहिए और इनकी मजबूती प्रदेश के अंदर हमेशा
जो है वो खुशहाली लाएगी, शांति लाएगी, स्थिरता लाएगी।